उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित सिकंदरा राव में एक सत्संग का आयोजन हुआ था। उस सत्संग में भारी भीड़ जुटी थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच गई। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी भी आसपास के कई अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। भगदड़ से पहले के एक वीडियो क्लिप में लोग एक बड़े शामियाने में प्रवचनकर्ता भोले बाबा का सत्संग सुनते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा उनके सामने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठे थे और जानकारी के मुताबिक प्रवचनकर्ता भोले बाबा ने 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और पुलिस सेवा में रहते हुए ही सत्संग करने लगे थे। कहा जाता है कि उनके भक्तों में नेता भी शामिल हैं। भोले बाबा में उत्तर प्रदेश के लोगों में काफी आस्था है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के भक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस बाबा के काले चिट्ठों का राज क्या है। दरअसल भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में देखा गया है। साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की ही एंट्री थी। नारायण साकार ने एक आम शख्स से स्वंभू बाबा तक का सफर बहुत कम समय में पूरा कर लिया गया। वो वैसे तो मूल रूप से कासगंज के रहने वाले हैं और बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और भोले बाबा तीन भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है, दूसरे नंबर के भाई का नाम है सूरजपाल और तीसरे नंबर का भाई बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी में छोटा मोटा नेता है। और आपको बता दें कि तीसरे नंबर का भाई बहादुर नगर गांव में 15 साल पहले प्रधान भी रह चुका है। अब जो दूसरे नंबर का भाई है जिसका नाम है सूरजपाल, यही सूरजपाल भोले बाबा के नाम से मशहूर है। बाबा बनने से पहले वो LIU में हेड कांस्टेबल थे और 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बाबा बनने के बाद सफेद सूट इनकी पहचान रही और इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम कर रहे थे। वो एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसे देते थे और जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देता है। नारायण साकार पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम बनाया है। उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि इनके आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की एंट्री है, बाकी किसी भी लोग को भोले बाबा के कमरे में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की इजाजत कतई नहीं दी जाती है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों खास तौर पर भक्तों के नाम पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा है। बताया जा रहा है कि एक बार ये जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से बाबा की मान्यता लगातार बढ़ रही है और पिछले साल बाबा के दरबार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश की बाबा के दरबार में पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। तो आपकी क्या राय बन रही है इस खबर पर और इस नारायण साकार यानी कि भोले बाबा पर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।